मेनका जी, ये सारी कसरत सिर्फ आपके लिए हो रही है। शहजादे, आपने तंदुरुस्त कैसे रह लेते हैं? बस रह लेते हैं, हम तो शाही खून है ना। लेकिन मेनका जी, आप यहाँ हमसे मिलने आई हैं। हम ना सोच रहे थे कि आप जो इतनी बड़ी मुगल फौज को जो आप संभालते हैं, कैसे कर लेते हैं आप? शाही खून है हम कब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किधर करते हैं, हमें खुद को भी नहीं पता चलता। मतलब इसमें भी गहरा राज है, हमें भी तो कोई राज बताइए, हमें भी तो अपना राजदार बनाइए। हाँ हाँ, हम आपको सारे राज बताएंगे। बताइए कौन सा राज जानना है आपको, हम आपको सारे राज बता देंगे। मगर आप ये राज किसी और को मत बताना। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो सुनिए, हमारी फौज के जो सेनापति है ना, उनका चक्कर बावर्ची खाने की एक दासी के साथ चल रहा है, और ये बात किसी को भी नहीं पता सिवाय हमारे, यहाँ तक कि उनकी बीवी को भी नहीं। और एक चटपटा राज सुनिए। बस सलीम भाई साहब, बस बहुत हो गया। मुझे पता है, फौज के एक एक राज आपकी मेनका जी को बता देंगे। ऐसा नहीं है वासु। क्या नहीं है हा? आपको नहीं लगता कि हमें भी राज बताने का मौका मिलना चाहिए? मेनका जी, हम आपको राज बताएंगे। कौन से राज? मेनका जी, हम तो आपको सारे राज बता देंगे। आपको पता है, हमारे फौज के अस्तबल में एक सफेद घोड़ी है, उसे अभी अभी एक बच्चा हुआ है। पर राज की बात ये है मेनका जी, कि मुझे पता है उसका चक्कर हमारे धोबी के गधे के साथ चल रहा है, गधे के। अब अगला राज हम आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा। नहीं वासु, शाही कौन हम है, हम बताएंगे। सलीम भाई साहब, मैं बताऊंगा। हम बताएंगे। मैं? हम बताएंगे। नहीं, हमें कोई राज नहीं जानना, हमें बख्श दीजिए, हमें कुछ नहीं जानना। सलीम, अभी जाओ। सलीम, ओपी।